देश के साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना का खतरा फिर मंडरा रहा है। ऐसे में डॉक्टर सभी से एहतियात बरतने को कह रहे हैं। भोपाल में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में 10-11 अप्रैल को अस्पतालों में व्यवस्थाओं और ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल होगा। भोपाल सहित प्रदेश भर में कोरोना का खतरा एक बार फिर मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है। 10 और 11 अप्रैल को अस्पतालों की व्यवस्था और ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया जाएगा। भोपाल के जेपी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव का कहना है, अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, भीड़भाड़ वाले इलाके में मास्क का उपयोग करें। भोपाल में कंट्रोल में है स्थिति, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि जिस तरह अपन पूर्ण सावधानी रखते आ रहे थे कि कोरोना के जब मरीज से या वायरल फीवर या सर्दी जुकाम के मरीजों से डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करना है, 2 गज का दूरी से करना है, हाथ साफ सफाई बराबर रखना है, हैंड वॉश या साबुन से बार बार हाथ धोना है, भीड़ भाड़ के इलाके में अगर जाते हैं तो मास्क लगा के जाना है। हमारे यहाँ जो सुविधाएँ के संबंध में बताना चाहेंगे कि सुविधाएं पूरी उपलब्ध हैं, शासन की तरफ से पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। पीएसए प्लांट का मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे 10-11 तारीख को, मंडे ट्यूसडे को करेंगे। और LMO भी है, लगभग 400 हमारे पास जंबो सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काफ़ी मात्रा में है, दवाइयों की स्थिति अच्छी है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेंड है और बेड भी पर्याप्त हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।